हेलो फ्रेंड्स मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के छोटे से प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल हरिओम एजुकेशन में आज मैं क्लास सेवन का चैप्टर नंबर फिफ्टीन लाइट का लेक्चर नंबर वन लेकर आया हूं और आज का ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये बहुत छोटा चैप्टर भी है चैप्टर आपको क्लास सिक्स में भी पढ़ना था क्लास सेवेंथ में तो अभी आप पढ़ ही रहे हैं क्लास एट में भी पढ़ना है क्लास टेन में भी पढ़ना है और क्लास ट्वेल्थ में भी पढ़ना है और आगे भी पढ़ना है तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास एट में थोड़ा आप लोग इस चैप्टर का अच्छा खासा क्वेश्चन भी करेंगे रे डायग्राम भी वहां आप सीखेंगे बट यहां सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दिया जाएगा बहुत छोटा चैप्टर है दो लेक्चर का बस ये चैप्टर है एकदम छोटा चैप्टर है प्यारा चैप्टर है बट ओलंपियाड में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कई लोग पूछते हैं कि मैं जो पढ़ाता हूं यह सफिशिएंट है कि नहीं ओलंपियाड के लिए तो आप क्वेश्चन खोलकर देखिए प्रीवियस ईयर का आपको पता लग जाएगा कि सफिशियंट है कि नहीं और जो बच्चे मुझसे अच्छे से पढ़ाई करते हैं वो सब लगा रहे हैं और वो सब से मैं जब रिस्पॉन्स लेता हूं तो वो लोग बताते हैं कि काफी अच्छे से हो रहा है तो ऐसे तो लेक्चर का लेंथ भी बहुत ज्यादा हो जाता है मुझे पता है ड्यूरेशन भी ज्यादा होता है बट but... फिर भी क्या कर सकते हैं कंटेंट अगर डिलीवर करना है तो लेंथ ड्यूरेशन ये सब तो बड़ा रहेगा ही रहेगा और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है मुझे मुझे पता है कुछ लोग बोलते हैं कि चैनल का व्यूज डाउन हो गया है नया चैनल पर हंड्रेड व्यूज से ज्यादा नहीं आते हैं आपको ये बात पता होगा कितना भी अच्छा चैनल रहता है नया में बहुत कम व्यूज आते हैं लगभग साल दो साल तक ये यूट्यूब का एल्गोरिदम ही है एक तरीके से समझे तो किसी किसी लोग का आ जाता है तेजी से व्यू बट जनरली ऐसा ही होता है चैनल डाउन हो जाता है कुछ टाइम बाद तो ये सब कोई मैटर नहीं है जो आप बार बार कमेंट करते हो सर आपका व्यूज डाउन हो गया व्यूज डाउन हो गया अरे भाई व्यूज फिर से अप हो जाएगा कभी ठीक है तो आज बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप लोग बस ओलंपियाड का चालीस पचास रुपया में एक बुक देता है एमटीजी का वो कम से कम खरीद कर लगा लीजिए बस देता उतना है उतना ही चालीस पचास उसका दाम है लगभग कितना बीस तीस क्वेश्चन रहता है हर चैप्टर में उसको लगा लीजिए वो भी काफ़ी रहेगा आपके लिए या तो मैं बुक के ऊपर तो वीडियो बना ही दिया था तो वो वीडियो जाकर देखिए कोई भी बुक बनाइए स्कूल का बुक बनाइए बट बनाइए जरूर क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बुक का क्वेश्चन लगाना और आज से मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चन दूंगा अगले लेक्चर में ताकि आपको वो लेक्चर रिवाइज हो जाए ठीक है लेक्चर के लास्ट में भी मैं एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ लूंगा और लेक्चर के बाद में भी कुछ क्वेश्चन पूछूंगा ठीक है तब आपको मजा आएगा पढ़ने में और आपको जवाब एकदम कमेंट में देना है एकदम अच्छे से ठीक है तभी मुझे मजा आएगा कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हर्ट नहीं देते सर अरे भाई अच्छा ठीक है आज से मैं सबको हट दूंगा ठीक है तो हेडिंग लगाइए लाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है चलिए हेडिंग लगाइए लाइट क्या होता है लाइट ये चैप्टर आप क्लास सिक्स में भी पढ़े हैं याद है कुछ कुछ भी याद नहीं है अच्छा कोई बात नहीं है सबर रखो सब समझ में आएगा क्लास सेवन में भी सिक्स वाला मैं सब ऊपर ऊपर से कवर करा दूंगा कोई बात नहीं है और क्लास एट का लाइट आप जरूर पढ़ना जब क्लास एट में जाना तो क्योंकि अगर आप क्लास एट का लाइट नहीं पढ़ोगे देन आप टेंथ क्लास में परेशान हो जाओगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं लाइट होता क्या है तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ये एक इनर्जी का फॉर्म है इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी बस एकदम छोटा सा डेफिनेशन है लाइट इज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइट एनर्जी का फॉर्म है ठीक है छोटा सा डेफिनेशन बस यही डेफिनेशन आप बता दीजिएगा क्लास सेवेंथ के लेवल पर तो चलेगा अब बात आता है कि लाइट ट्रेवल कैसे करता है लाइट क्या है फॉर्म ऑफ एनर्जी है जैसे बल्ब जलता है तो बल्ब से लाइट आ रहा है एनर्जी के फॉर्म में बल्ब जल रहा है उससे लाइट आ रहा है एनर्जी के फॉर्म में और जो जो बल्ब से लाइट आता है बल्ब जैसे जल रहा है उससे जो लाइट आता है वो हमेशा सीधा चलता है लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ लाइट जो होता है वो सीधा रास्ता से चलता है स्ट्रेट पाथ पर चलता है और इसी के लिए एक टर्म यूज किया जाता है उस टर्म को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इस टर्म को हम लोग किस नाम से जानते हैं रुक जाइए ब्लू से लिख देता हूं ताकि आपको दिखे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कोई आपसे पूछेगा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या होता है तो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ नॉन एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट अब कोई बच्चा ये है कि बोलेगा कि हम कैसे मान ले कि लाइट एकदम सीधा रास्ता पे चलता है प्रूव करके बताइए तो इसका भी आंसर मैं आपको देता हूं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट से ठीक है जो सब बुक में दिया होता है ठीक है एक्सपेरिमेंट क्या है कि आपको तीन कार्डबोर्ड एक लाइन से लगा देना है एक जैसे एक कार्डबोर्ड यहां खड़ा करना है एक यहां एक यहां तीन कार्डबोर्ड या चार्ट पेपर जो भी आप उसको बोलते हो उसको तीन खड़ा कर देना है और उसमें सेम सेम जगह पे होल करना है सब तीनों कार्डबोर्ड के बीच में होल कर दीजिए बीच बीच में ठीक है कार्डबोर्ड या पेज कोई भी चीज में बीच में होल कर दीजिए ठीक है और एक साइड पे एक कैंडल जला दीजिए एक साइड पर एक कैंडल जला दीजिए और अगर उस साइड से देखिएगा जब तीनों साइड का होल बराबर रहेगा तब आपको उधर से कैंडल जलता हुआ दिखेगा एक बार अगर आप कार्डबोर्ड को थोड़ा नीचे खींच दिए तो नहीं दिखेगा इसी से प्रूव होता है कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ कुछ भी समझ नहीं आया कोई बात नहीं है हम लोग फोटो बनाते हैं तब समझ में आएगा जैसे मान लीजिए यह कार्डबोर्ड है ठीक है एक कार्डबोर्ड है जो कि रखा हुआ है मतलब बोर्ड पर अगर कार्डबोर्ड को रखना होगा तो ऐसे ही ना रखेंगे ऐसा थोड़ी ना कि एक लाइन बना देंगे वो कार्डबोर्ड हो गया ऐसे रखते हैं ठीक है बोर्ड पर हम लोग कार्डबोर्ड तो एक कार्डबोर्ड ऐसे रख दिए एक कार्डबोर्ड यहां पर रखे ध्यान रहे कि कार्डबोर्ड सबका जो होल हो सब स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए ठीक है ये तीन कार्डबोर्ड हम लोगों ने ऐसे रख दिया ठीक है और यहां पर हम लोगों ने एक कैंडल जला दिया ये क्या है कैंडल है मोमबत्ती ये क्या है चार्ट पेपर ये क्या है पिन होल पिन होल का मतलब होता है छोटा सा होल ठीक है पिन होल और यहां पर रहेगा हम लोग का प्यारा सा आंख किसका आंख ये खूबसूरत सा आंख कैसा आंख है चलिए उसके बाद यह कैंडल को हम लोग जला देंगे देखिए कितना सुंदर सा रेड रेड लाइट निकल रहा है आज मैं इस बोर्ड को रगड़ रगड़ के साफ किया पानी से भीगा कर ठीक है अगर यहां कैंडल जलने लगेगा देन लाइट कैसे ट्रेवल करता है स्ट्रेट पाथ पर देन कैंडल से लाइट कैसे आएगा टर टर आंख में दिख जाएगा देखिए अगर इस आदमी को दिख गया लाइट ऐसे आया जिधर कोई भी चीज आता है उधर हम लोग एरो बनाते हैं और इस आंख में दिख गया लगेगा कि हाँ कैंडल जल रहा है इसी से प्रूव हुआ कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन अगर इस कार्डबोर्ड को थोड़ा आप नीचे खींच देंगे इस चार्ट पेपर को या पेपर को आप नीचे खींच देंगे तो लाइट आपको नहीं दिखेगा क्यों नहीं दिखेगा क्योंकि लाइट यहां पर आकर ब्लॉक हो जाएगा थोड़ा नीचे कर देने पर ठीक है यही एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जिससे ये प्रूव होता है कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन ठीक है इसको नोट कर लीजिए आप लोग फिर हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कर लिए नोट मजा आ रहा है सभी को छी बोर्ड फिर से गंदा हो गया आधा घंटा तक मैं आज बोर्ड साफ किया फिर भी गंदा हो गया पता नहीं बोर्ड मेरा कौन सा नशा करता है एक बार में ही गंदगी फैला देता है भाई कई लोग लिखते हैं बोर्ड चेंज कर डालो पैसा कहाँ से आएगा पैसा कुछ लोग तो यह भी सलाह देते हैं कि ये स्मार्ट बोर्ड लगवा लीजिए एक दो कैमरा उमरा ले लीजिए हेडिंग लगाइए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अब दिखेगा ही नहीं किसी को चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अब मैं अपना राइटिंग ठीक कर लिया कमेंट आता था कि राइटिंग भी ठीक कीजिए देखिए राइटिंग सही है ना अच्छा है चलिए जब लाइट कोई भी साइनी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है या स्मूथ स्मूथ ऑब्जेक्ट पे पड़ता है वेन लाइट फॉल्स ऑन शाइनी ऑब्जेक्ट कोई भी चमकदार सा ऑब्जेक्ट है जब उस पर लाइट पड़ता है तो वो बाउंस बैक हो जाता है उल्टा चला जाता है उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए साइनी ऑब्जेक्ट साइनी ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है चमकदार ऑब्जेक्ट क्या क्या होता है जैसे बर्तन बर्तन क्या चीज का बना होता है स्टेनलेस स्टील का जो आपके घर में खाना बनता है और वो बर्तन सबका जो यूज होता है वो सब स्टेनलेस स्टील का बना होता है जैसे स्पून चम्मच जो होता है वो सब क्या है चमकदार ऑब्जेक्ट है जब इसके ऊपर क्या होगा लाइट फॉल होगा क्या होगा इसके ऊपर जब लाइट फॉल होगा तो वो मिरर की तरह भी एक्ट करता है एक्ट एज अ मिरर एक्ट एज मिरर वो मिरर की तरह बिहेव करता है ठीक है मतलब हम लोग चम्मच में अपना मुंह देख सकते हैं मुंह देखते हो चम्मच में <laughs> देख सकते हैं थोड़ा बहुत दिखता है अजीब अजीब शेप का कैसा कैसा शेप का चम्मच में आपका मुंह दिखेगा सब आपको पढ़ना है लाइट में तो बहुत मजेदार चैप्टर है जैसे स्टेनलेस स्टील या ये सब पर लाइट पड़ता है तो लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है चेंजेज दी डायरेक्शन ऑफ लाइट लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है क्या मैं बता दिया जैसे मान लीजिए ये है आपका घर में सब्जी बनाने वाला ठीक है सब्जी बनाने वाला ये उल्टा करके रखा हुआ है मान लीजिए ये बना हुआ है आपका स्टेनलेस स्टील का ठीक है ऐसे इन... स्पेलिंग भी आज हो रहा है नहाए हो आज आप लोग आज मैं चार दिन पर नहाया स्टेनलेस स्टील का बना होता है ठीक है वेन लाइट फॉल्स ऑन ए साइनी ऑब्जेक्ट जब लाइट इस साइनी ऑब्जेक्ट पे फॉल्स होता है वेन लाइट फॉल्स ऑन ए साइनी ऑब्जेक्ट स्टेनलेस स्टील है या स्टील का चम्मच है मान लीजिए चम्मच है

पॉलिश किया हुआ सरफेस या साइनी सरफेस कोई भी सरफेस ऐसा सरफेस मतलब कोई भी चीज कोई भी चीज मतलब चम्मच का जो पीछे का जो पार्ट होता है उसको हम सरफेस बोलते हैं आगे का पार्ट सरफेस मार्कर के चारों वाला जो चारों बगल जो रीजन है वो सरफेस है जैसे आपका मुंह ये सब क्या है सरफेस है ठीक है ये सब में किसी को प्रॉब्लम नहीं ना होता है तो पॉलिस्ट या साइनी सरफेस साइनिंग सरफेस जो चमकता हुआ साइन करता हुआ जो सरफेस होता है सब मिरर की तरह बिहेव करता है एक्ट एज बिहेव एज ए मिरर, वो आईना की समान बिहेव करता है इसमें आप मुंह भी देख सकते हो नया चम्मच खरीद के लाना तो देखना कभी इतना बड़ा दिखेगा कभी छोटा दिखेगा उल्टा करके देखोगे तो कुछ और जगह <laughs> आपका मुंह कभी इतना बड़ा दिखेगा कभी छोटा हो जाएगा तरह तरह का शेप का बनेगा क्यों बनता है सब आपको पढ़ना है फोटो बना बना कर मैं बताऊंगा ठीक है इतना किसी में दिक्कत इतना किसी को दिक्कत मिरर बैक दी लाइट फॉलिंग ऑन इट सरफेस मिरर क्या करता है मिरर बाउंसेस बैक लाइट फॉलिंग ऑन इट्स सरफेस मिररर के सरफेस पर जब लाइट पड़ता है तो वो क्या हो जाता है बाउंस बैक हो जाता है जैसा कि आपने क्लास सिक्स में पढ़ा शांति पहले इसको छापिए छापिए और इसी बाउंसिंग बैक फेनोमेनन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दिस बाउंसिंग बैक फेनोमेन ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइटन ऑफ लाइट क्या लिखा हुआ है हम लोग एक मिरर बना लिए मिरर ऐसे ही बनाया जाता है मिरर जो आईना आप घर में देखते हो ना आईना मुंह देखने के लिए कैसा मुंह है तेरा मेरा तो बहुत अच्छा है ठीक है तो कई लोग बोल रहे हैं छिच्छी देखने में इतना गंदे लगते हो फिर भी बोलते बहुत अच्छा है बहुत अच्छा ये क्या है मिरर है मिरर घर में जो आईना है वो शीशा एकदम पतला वाला लाइन है वो आईना और आईना के पीछे पॉलिश किया हुआ रहता है कभी मिरर फोड़े हो जब मिरर को आप फोड़ोगे तो पीछे आपको पॉलिश किया हुआ मिलेगा सिल्वर का पॉलिशिंग होता है जनरली तो ठीक है तो ये जो लाइन जो आपको नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं पॉलिशिंग करना जब पॉलिश कर देते हैं तो लाइन ऐसे 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 डॉटेड दिखा देते हैं ये क्या है मिरर है इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर है पॉलिश किया हुआ है ठीक है मतलब जनरल भाषा में हम आपको समझा रहे हैं मान लीजिए यहां से कोई आदमी टॉर्च बार रहा है मान लीजिए टॉर्च बारा च का लाइट आया यहां पर ठीक है लाइट आया और ये लाइट ऐसे चला गया लाइट इस पर आया इस पर टकराया ऐसे चला गया लाइट ऐसे आया और ऐसे गया ऐसे आया और ऐसे गया इसी फेनोमेन को हम क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये ये जो लाइट आता है उसको हम बोलते हैं इंसीडेंट रे क्या बोलते हैं इंसीडेंट रे और जो लाइट यहां से जाता है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे ठीक है ये हो गया इंसिडेंट रे लाइट जो गया रिफ्लेक्टेड रे ठीक है अब आप स्टार्टिंग वाला जब पढ़ोगे तो आप सब समझ आ जाएगा वेन लाइट फॉल्स ऑन ए साइनी ऑब्जेक्ट स्टेनलेस स्टील या स्टील स्पून चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट ऐसे चेंज हो गया एक्ट एज ए मिरर वो मिरर के समान बिहेव करेगा क्लियर है पॉलिश्ड या साइनी सरफेस जो होता है वो मिरर के समान बिहेव करता है पॉलिशिंग जो किया हुआ है वो क्या चीज के समान बिहेव करता है एक्ट एज मिरर आईना के समान बिहेव करता है ठीक है चलिए अब आता है इंसिडेंट रे का डेफिनेशन क्या होगा इंसिडेंट रे क्या है इंसिडेंट रे ये वाला लाइट टॉर्च से जो लाइट आ रहा है और रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए सरफेस इंसिडेंट रे क्या हुआ इंसिडेंट रे रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए सरफेस नोन एज इंसिडेंट रे नोन एज इंसिडेंट रे उसको हम क्या बोलते हैं इंसिडेंट रे ठीक है द रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड ऑफ द सरफेस द रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड ऑफ द सरफेस द रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड ऑफ द सर्फेस द रे ऑफ लाइट लाइट का ऐसा रे जो सरफेस को क्या करे छोड़ दे रिफ्लेक्ट कर जा छोड़कर रिफ्लेक्ट कर जा उसको हम क्या बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे क्या बोलते हैं उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे ज रिफ्लेक्टेड reflected, ठीक है अगर आपके स्कूल में पूछा जाएगा तो यही बताइएगा छाप लीजिए इसको ठीक है छापिए तब तक मैं मार्कर को इंक पिलाता हूँ ठीक है अब लिखिए प्लेन मिरर एंड इमेजेज लिख लिये छाप लिए चलिए अब हेडिंग लगाइए प्लेन मिरर एंड इमेजेज प्लेन मिररर एंड इमेज प्लेन मिररर एंड इमेज प्लेन मिररर क्या होता है पता है फ्लैट स्मूथ सर्फेस ऐसा सर्फेस जो फ्लैट हो फ्लैट मतलब जैसे ये फ्लैट हो गया फ्लैट है जैसे हाथ क्या है फ्लैट है फ्लैट ठीक है तो प्लेन मिरर क्या होता है फ्लैट स्मूथ सरफेस विच इज पॉलिश्ड जो कि पॉलिस्ड होना चाहिए विच इज पॉलिस्ड वो पॉलिश होना चाहिए एक सरफेस पे विच इज पॉलिस्ड सिल्वर ऑन इट्स वन सरफेस सिल्वर ऑन इट्स वन सरफेस जैसे आईना जिसमें आप अपना मुंह देखते हो उसका जो पीछे वाला सरफेस होता है वो कैसा होता है पॉलिश किया हुआ होता है जैसे मान लीजिए ये आपका आईना का शीशा है तो इसके पीछे वाला जो सरफेस होता है वो पॉलिश किया हुआ होता है पूरा अच्छे से पॉलिश किया हुआ होता है पीछे वाला सरफेस ये जैसे आईना है जिसमें आप मुंह देखते हो तो उसका पीछे वाला सरफेस पे पॉलिश किया होता है फ्लैट होता है स्मूथ सरफेस है फ्लैट स्मूथ सरफेस, विच इज पॉलिस्ड सिल्वर सिल्वर का पॉलिशिंग किया होता है ऑन इट्स वन सरफेस वन सरफेस के ऊपर और इसका जो दूसरा सरफेस होता है अदर फेस होता है वो रिफ्लेक्टिंग फेस होता है रिफ्लेक्टिंग फेस फेस लिखिए और अक्यूरेट है उसका जो दूसरा फेस है वो रिफ्लेक्टिंग होता है जो आप आईना में मुंह देखते हो जिसमें आपको मुंह दिखाई देता है वो क्या है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और पीछे वाला कौन सा सरफेस है पॉलिशिंग वाला सरफेस ठीक है मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो कि रखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर प्लेन मिरर के सामने इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर कोई भी चीज है जो कि प्लेन मिरर के सामने रखा हुआ है ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेन मिरर के इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर रखा हुआ है तब क्या होगा उस आदमी का कॉपी इमेज दिखाई पड़ेगा कॉपी ऑफ द इमेज इज विजिबल कॉपी ऑफ द इमेज इज विजिबल आपको क्या होगा उस इमेज का कॉपी एक दिखाई पड़ेगा ठीक है कॉपी ऑफ द इमेज इज विजिबल क्या चीज में मिरर में ठीक है अब आपसे कोई पूछेगा इमेज को डिफाइन करो इमेज जो आप इमेज दिखाई पड़ता आपका जो फोटो उसको डिफाइन करो क्या बताओगे द कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द मिरर उसी को हम इमेज बोलते हैं क्या होता है द कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द मिरर। कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मिरर में कॉपी आप देखेंगे उसी को बोला जाता है इमेज इट्स कॉल्ड इट्स इमेज उसको क्या बोला जाता है इमेज बोला जाता है चलिए इसको छापिए आराम से छापिए नोट कीजिए आराम से कीजिए आराम से नोट ठीक है अब थोड़ा सा आपको उड़ेगा ठीक है उड़ेगा मतलब थोड़ा सा कम समझ में आएगा ठीक है वो अगले क्लास में आपको समझ में आ जाएगा बट दो डेफिनेशन बस इंपॉर्टेंट है ठीक है जो कभी कभी ओलंपियाड में पूछा जा सकता है इसलिए मैं वो लिखवा देता हूं आपको बस याद कर लेना है वो देखिए इमेज फॉर्मेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है एक इमेज फॉर्मेशन होता है वो रियल इमेज होता है और एक होता है वर्चुअल इमेज इमेज क्या होता है वो जो फोटो बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं इमेज इमेज ठीक है जो आईना में फोटो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं इमेज जो दिखाई देता है ठीक है अब इमेज जो होता है वो दो टाइप का होता है एक होता है रियल इमेज कौन सा इमेज रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज वर्चुअल इमेज ठीक है कौन कौन सा इमेज रियल इमेज और वर्चुअल इमेज रियल इमेज का मतलब होता है कि ऐसा इमेज जो स्क्रीन पे फॉर्म होता है ऐसा इमेज जो स्क्रीन पे फॉर्म होता है स्क्रीन पर ठीक है मतलब जो स्क्रीन पर इमेज दिखाई देगा और वर्चुअल इमेज का मतलब होता है ऐसा इमेज जो स्क्रीन के पीछे दिखाई देगा जैसे आईना में आप अपना मुंह देखोगे तो आपको कैसा लगता है कि मुंह आपका पीछे है मतलब जितना दूर से आप आईना में अपना मुंह देखोगे लगेगा आपको कि उतना पीछे उसमें मेरा मुंह दिखाई दे रहा है जैसे यहाँ से मुंह देखोगे आप तो आपको आईना में जब ध्यान से देखोगे देन आपको ऐसा फील होगा कि मेरा इमेज उतना पीछे आईना के बन रहा है आईना के पीछे बन रहा है इमेज फॉर्मेशन आपको अभी नहीं पढ़ना है वो ऐसा क्यों होता है वो भी आपको पढ़ना 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 है है बट इमेज फॉर्मेशन अभी आपको नहीं वो आपको नहीं वो क्लास क्लास में है। और जो लोग चाहते हैं का जब मैं लाइट पढ़ाऊंगा क्लास एट का तो वहां पर जाकर देख लीजिएगा तो आईना के पीछे बनता है ऐसा इमेज जो आईना पर बनता है उसको हम बोलते हैं रियल इमेज और ऐसा इमेज जो आईना के पीछे बनता है उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज इमेज एक आईना पर बन सकता है जैसे आईना में मुंह देखे आईना पर आपका इमेज बन गया रियल अगर आईना के पीछे बना देन वर्चुअल इमेज जो प्लेन मिरर में आप अपना मुंह देखते हो उसमें वर्चुअल इमेज बनता है ना कि रियल ठीक है आपको लगेगा कि आपको लगेगा कि पीछे मेरा इमेज है पीछे ठीक है द इमेज दैट कैन नॉट बी फॉर्म ऑन ए स्क्रीन नोन एज वर्चुअल इमेज दी इमेज डेट कैन नॉट बी फॉर्मड ऑन द्रीन बस आपसे ओलंपियाड में यही पूछा जाएगा कि वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे फॉर्म हो सकता है देना बोलिएगा नहीं ठीक है और रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन रियल इमेज स्क्रीन पर फॉर्म हो सकता है ठीक है और इसके बारे में आप अगर डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो क्लास एट ठीक है अब घबराइएगा नहीं ठीक है अब हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक पर बात करते हैं जो कि प्लेन मिरर का ठीक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाई प्लेन मिररर आपको कैरेक्टरिस्टिक वर्ट पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मड बाई प्लेन मिरर प्लेन मिररर से जो इमेज फॉर्म होता है उसका कुछ कैरेक्टर क्या होता है ठीक है प्लेन मिररर का कैरेक्टर ठीक है जैसे ये जो आईना प्लेन वाला जो मिररर देखते हो ठीक है उस पर जो इमेज बनता है फोटो 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 उसका क्या कैरेक्टर होता है बहुत ज्यादा इसके डीप में आपको नहीं पढ़ना है बहुत ज्यादा इसके बारे में बस लेकिन आपको पढ़ना है इसमें साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है इसमें क्या होता है साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सबसे बढ़ला इसका कैरेक्टर साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इसका सबसे पहला जो कैरेक्टर होता है जितना इमेज का साइज होता है उतना ही ऑब्जेक्ट का भी साइज होता है साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो आप मिरर में इमेज देखते हो वो सीधा इमेज दिखाई पड़ता है कैसा दिखाई पड़ता है सीधा दी इमेज इज अपराइट सीधा के लिए जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं लाइट चैप्टर में वो है अपराइट या इरेक्ट ठीक है अगर आप आईना में मुंह देखोगे देन आपका मुंह ऐसे ही दिखेगा हाथ आपका नीचे ही दिखाई पड़ेगा सर आपका सॉरी सर आपका ऊपर ही दिखाई पड़ेगा हाथ नीचे ही दिखाई पड़ेगा ऐसा नहीं होगा कि आपका पैर ऊपर हो जाएगा और सर नीचे हो जाएगा ठीक है ऐसा नहीं होता है प्लेन मिरर के केस में प्लेन मिरर में क्या होगा जैसे आप मुंह देखोगे वैसा ही दिखेगा अपराइट ठीक है या इरेक्ट सीधा ही में दिखाई पड़ेगा हाँ बट प्लेन मिरर में सबसे बड़ा चीज जो होता है वो होता है लेफ्ट साइड का चीज राइट में चला जाएगा और राइट साइड का चीज लेफ्ट में आ जाएगा ध्यान से सुनिए एक आईना लेकर बैठिए और मुंह अपना देखिए ऐसा होगा कि जो राइट का चीज है वो लेफ्ट में चला जाएगा और लेफ्ट का चीज राइट में आ जाएगा ध्यान से देखिए आईना लीजिए बैठिए ना, ना आईना लेकर तभी तो दिखाई पड़ेगा मिनर लीजिए और राइट का चीज देखिए लेफ्ट जाएगा और लेफ्ट का चीज राइट आएगा राइट का लेफ्ट लेफ्ट का राइट ठीक है इस फेनोमेन को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन फेनोमेन नहीं ये एक प्रॉपर्टी है फेनोमेन अलग होता है ठीक है लेफ्ट एंड राइट साइज ऑफ द इमेज गेट इंटरचेंज क्या हो रहा है लेफ्ट एंड राइट साइज ऑफ द इमेज गेट इंटरचेंज ठीक है राइट और लेफ्ट साइज का जो इमेज है वो क्या हो रहा है इंटरचेंज दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन ठीक है राइट right का चीज लेफ्ट चला जाएगा और लेफ्ट का चीज राइट right चला जाएगा ठीक है इसको छाप लीजिए जैसे कैसे होता है जैसे कभी एम्बुलेंस में आप देखोगे कि एंबुलेंस में जो लिखा होता है लेटर एंबुलेंस वो उल्टा लिखा होता है लेटरल इन्वर्जन करके ठीक है देखिए डॉगी सब भोंकने लगा ठीक है एम्बुलेंस एम्बुलेंस जो होता है उसमें कैसा लिखा होता है ध्यान से देखिएगा लेटर सब देखिए कैसा लेटर लिखा होता है लेटरल इन्वर्जन ऐसा ई ऐसा लिखा होगा ठीक है उल्टा हो गया जब आप एम्बुलेंस को मिरर में लगा के देखिएगा तो ई e आपको ऐसा दिखेगा सी आपको ऐसा दिखेगा एन आपको ऐसा दिखेगा एन सही है कि नहीं गड़बड़ लग रहा है हाँ अब सही है ए आपको ऐसा दिखेगा एल आपको ऐसा दिखेगा यू आपको ऐसा दिखेगा बी आपको ऐसा दिखेगा एम आपको ऐसा दिखेगा ए फिर आपको ऐसा दिखेगा देखिए, देखिए, ध्यान से देखिए दिखा आईना में लगा कर देखिए तब आपको फील आएगा इसका मैं प्रैक्टिस कई बार किया था ठीक है मिरर में हम लोग देख रहे हैं आईना में पॉलिश कर दिए एक सरफेस ठीक है यहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा दिखेगा ऐसा ठीक है देखिए और एम्बुलेंस पर ऐसा ही लिखा होता है एम्बुलेंस पता है आपको गौर तो नहीं किए होइएगा जब गौर कीजिएगा तो एम्बुलेंस पर ऐसा एम्बुलेंस लिखा होता है ना कि ऐसा पता है ऐसा क्यों लिखा होता है लेटरल इन्वर्जन करके ताकि जो पीछे का गाड़ी आए उसको लगे कि एम्बुलेंस जा रहा है और उसको साइड दे दिया जाए ठीक है क्यों लिखा रहता है क्योंकि इस ये जो एम्बुलेंस लिखा हुआ है इसको रीड कर पाए इसको पढ़ पाए ठीक है ठीक है अदर व्हीकल्स का ड्राइवर इसको पढ़ पाए करेक्टली सही सही पढ़ पाए ठीक है अब सीधा एंबुलेंस लिखकर लाएगा तो उसको उल्टा दिखाई देगा और ड्राइवर को क्या पता लगेगा जो एम्बुलेंस ही है कि दूसरा गाड़ी भी है ठीक है तो इसलिए ये एक पॉलिसी है सब एम्बुलेंस में सब चीज आपको दिखेगा कितना कैरेक्टर हो गया तीन कैरेक्टर हो गया फोर्थ नंबर कैरेक्टर है कि प्लेन मिरर को हम लोग स्क्रीन पर फॉर्म नहीं कर सकते हैं स्क्रीन के पीछे जाता है इमेज जो प्लेन मिरर का इमेज होता है वो स्क्रीन से पीछे आइना में मुंह देखिए लगेगा पीछे है ठीक है कैन नॉट बी फॉर्म ऑन ए स्क्रीन कैन नॉट बी फॉर्म ऑन अ स्क्रीन इस इमेज को हम लोग स्क्रीन के ऊपर फॉर्म नहीं कर सकते हैं ठीक है जब मैं पढ़ाने आता रात को, डॉगी सब सब नसा करके आ जाता है, पता नहीं कि कौन सा नशा करता है वही सब नशा करके आ जाता है और इस सबको पता लग जाता है जो <laughs> कि ये मास्टर आ गया है पढ़ाने ठीक है और ये सब खिड़की के सामने ही आकर भूखने लगता है ठीक है इसको छापिए इस कारण से मुझे फैन भी चलाना पड़ता है ठंड में और इसी कारण से मेरा तबीयत खराब होता है अभी फैन मैं ऑफ करके रखा हूँ तो अभी आवाज़ आ रहा होगा डॉगी सबका। जब फैन चला देता हूँ तो वो नॉइज डॉग वाला कैंसिल हो जाता है बट मेरा नॉइज स्टार्ट हो जाता है चलिए जितना डिस्टेंस पर इमेज जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगा जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही डिस्टेंस पर इमेज जैसे ये मिरर है अगर आप यहां से देखोगे मान लीजिए ये मिरर है इसमें ये मार्कर को हम खड़ा करके देख रहे हैं तो इमेज कहाँ बनेगा पता है जैसे इतना डिस्टेंस है इतना डिस्टेंस तो इमेज यहां पर बनेगा जैसे देखिए इमेज ये बनेगा इमेज ये ये क्या है ये मान लीजिए मिरर है ये मिरर है इस मार्कर को देखना है ठीक है तो ये वाला इमेज बनेगा जितना सेम डिस्टेंस रहेगा दोनों का इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक का यहां से यहां तक का सेम रहेगा ठीक है समझ में आया कि नहीं ठीक है दी इमेज इज फॉर्म एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मीर जितना की वो ऑब्जेक्ट रहे ठीक है द इमेज इ फॉर्म एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मीर एट द ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ इट एट द ठीक है एज दी ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ इट ठीक है द इमेज इज फॉन्ड एज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मीर एट ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ इट जितना दूर वो रहेगा उतना ही दूर इमेज बनेगा जैसे मान लीजिए रुकिए मानिए नहीं अभी पहले इसको साफ करने दीजिए गंदगी में पढ़ाने में मजा नहीं आता है भाई जैसे मान लीजिए ये है अपना प्यारा सा मिरर यहाँ पर पॉइंट है तो इमेज इसका यहाँ बनेगा कैसे बनेगा इमेज वो आपको नहीं पढ़ना है यहाँ से गया यहाँ इमेज बना जितना इसका डिस्टेंस होगा उतना ही इसका डिस्टेंस होगा अब पढ़िए मान लीजिए इसका डिस्टेंस एक्स तो इसका भी एक्स द इमेज इज फॉर्म एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एट ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ इट ये क्या है ऑब्जेक्ट है डॉगी सबको बहुत पिटाई करने का मन करता है चलिए एक और फीचर है ठीक है ये मिनिम, अब मिनिमम कितना लेंथ का प्लेन मिरर चाहिए? एक किसी एच हाइट का आदमी है उसको देखने के लिए कितना फीट का मिरर चाहिए जैसे मान लीजिए आपका हाइट है कितना फीट पांच फीट तो कम से कम ढाई फीट का मिरर चाहिए आपके पूरे इमेज को फॉर्म कराने के लिए ठीक है minimum मिनिमम लेंथ ऑफ The minimum लेंथ ऑफ ए mirror टू सी the फुल हाइट ठीक है कोई भी आदमी है जिसका फुल हाइट देखना है मान लीजिए उस आदमी का हाइट है एच ऑफ अ पर्सन कोई भी आदमी है मान लीजिए उसका हाइट है एच एच मीटर हाइट है तो मिरर में देखने के लिए कम से कम उसका हाइट चाहिए एच बाई लैंग्वेज एक बार पढ़ लेने दीजिए मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर टू सी द हाइट एच ऑफ ए पर्सन इन मिनर इन एच बाई जैसे आपका हाइट है पांच फीट तो कम से कम ढाई फीट का मिरर चाहिए पूरा इमेज फॉर्म कराने के लिए ठीक है इस पॉइंट को याद रखिएगा पूछा जाएगा ओलंपियाड में अब आता है फीचर तो हो गया अब आता है यूजेज ऑफ प्लेन मिरर क्या है यूजेज ऑफ प्लेन मिरर चलिए प्लेन मिरर का क्या क्या यूज होता है सबसे पहला जो यूज होता है वो होता है पेरी स्कोप बनाने में पेरी बनाने में पेरी क्या होता है आपको नहीं जानना है बस याद रखना है प्लेन मीडर का यूज कहाँ होता है पेरी में अब इसके बारे में आपको गूगल पे सर्च नहीं करना है बहुत ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है ठीक है बस इसको याद रखिए ठीक है ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना तो समझ नहीं आया पेरी क्या होता है इसके बारे में पूरा कथा कहानी पढ़ लिए वो नहीं करना याद रखना है पेरी का यूज होता है प्लेन मीडर बनाने में और सिंपल जो एग्जाम्पल है वो क्या है लुकिंग ग्लास जिसमें आप चमगादड़ जैसा अपना मुंह देखते हो कितना दिन हो गया नहाए झूठ नहीं बोलना है कमेंट में लिखो अभी कितना दिन नहाए हुआ झूठ नहीं बोलना लिखना सबको है ठीक है जो नहीं लिखेगा उसको मैं समझूंगा पांच दिन वो और नहीं नहाएगा <laughs> और इसका यूज होता है कैलिएडो स्कोप बनाने में कैलियडो स्कोप में हुँ, 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 स्पेलिंग गलत हुआ कैलियडो स्कोप सही है ठीक है और इसका यूज होता है स्पेलिंग सही है ना हाँ सही लगता है बॉक्स टाइप सोलर कुकर में बॉक्स टाइप सोलर कुकर ठीक है जो सोलर कुकर होता है खाना बनाने वाला कुकर बक्सा वाला उसमें यूज होता है प्लेन मिरर का ये चारों का बस आप फोटो देख सकते हैं गूगल पे इससे ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है ठीक है जितना हमें पढ़ाया इसको बस आप याद कर लीजिए अगले लेक्चर में हम लोग बहुत अच्छा अच्छा चीज पढ़ेंगे बहुत मजा आएगा अगले लेक्चर में चलते हैं अभी बाय बाय मिलते हैं अगले लेक्चर में सी यू ऑल बेस्ट